Assalamu alaikum everyone, this is Samreen Mahmood and I've been needing to make this video for so long now, lekin finally I think I should make it. And although this is not the best time to make it, I am fasting aur mujhe shadeed roza lag raha hai and I'm still at workshop and it's 5:30 p.m. But let's begin with this. Okay, so first is bibi aurat ko ghar ki had tak मर्दों का काम मर्दों को ही सूट करता रही बा वो लुक जो कहते औरत हर वो हर काम कर सकती है या मर्द के बराबर, तो ये रियलिटी नहीं। जितनी आपकी रोमन उर्दू ब्रोकन है ना, उतनी ही आपका ब्रेन प्रॉबली ब्रोकन है कि आपसे एक कंपोज थॉट नहीं की जा रही, तो आपकी परसेप्शन पे तो मैं आप क्या ही बोलूँ। सो आई एम गोना स्किप दिस। ओके, हस्बैंड्स कुछ नहीं समझते अपनी बीवी को, शादी ना करना हस्बैंड बर्दाश्त नहीं करते। आई विल एक्चुअली से दिस इज़ द डिलेमा ऑफ सोसाइटी, दैट पीपल आर लुकिंग फॉर अ स्पाउस हु इज़ वेरी, आई नो काम भी आता हो, प्यारी भी हो एंड एवरीथिंग, लेकिन दे एक्चुअली कैन नॉट डाइजेस्ट अ वाइफ हु इज़ यू नो वाकई जो काम कर रही हो, जो एम्बिशियस हो या किसी भी तरीके से। सो येस, दिस इज़ अ गुड एडवाइस। अच्छा, माशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ोजल बहुत अच्छी बातें बहना ने की, बहुत कुछ सीखने समझने को। बिल्कुल यही है कि जब इरादे बड़े हों तो लोगों की तारीफ तनकीद की परवाह नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर सच अ थॉटफुल कॉमेंट। एंड आई एक्चुअली हैव अ प्रिटी थिक स्किन, आई विल से कि मुझे बहुत सी बातों और चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अब्सॉर्ब नहीं करती हूँ जो नेगेटिव फीडबैक्स वगैरह में भी। दैट्स द रीज़न कि मैं अब तक काम कर रही हूँ, कि मैं ज़िंदा भी इसीलिए हूँ कि मुझे फ़िल्टर करना बड़ा अच्छा आता है अपने माइंड में, कि व्हाट टू पे अटेंशन टू व्हाट नॉट। Hats off to that lady. I'm an older girl, but I'm going back to college to learn woodwork. Actually, you don't have to go to college to learn woodwork. You can learn it online, or you can take courses. Even I'm launching a course very soon about this. So yeah, you can learn through YouTube. Make sure you invest on getting a good adda for your work. आपका work bench अच्छा हो, आपके basic equipment हो, आपके पास cutters वगैरह, तो that will help you getting into woodwork. Motivational video. She seems to be very intelligent and quite honest girl. I appreciate her and pray for a bright future. Just convey my message to her to say 5 times prayer also, which is the first step of success. Thanks. ये मुझे किया है comment silent lover ने कि मुझे कितनी नमाज़ें पढ़नी चाहिए। Thank you. नेक्स्ट इज कोई अपना इंस्टीट्यूट बताएं, कोई डिग्री या डिप्लोमा शेयर करती। प्लांटेड इंटरव्यू है। आई रियली गेट दिस अ लॉट इन मोस्ट ऑफ माई इंटरव्यूज। नीचे लिखा होता है ये प्लांटेड है, ये पता नहीं प्लांटेड तो ना, एक तो वर्ड प्लांटेड मुझे ऐसा लगता है कुछ प्लांट किया मेरे वर्कशॉप में और वो ब्लास्ट हुआ था। प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं, कुछ प्लांटेड नहीं होता। मोस्ट लाइक एवरी इंटरव्यू ऑफ माइंड इज़ नॉट स्क्रिप्टेड। आई डोंट नो व्हाट दे आर गोना आस्क मी और क्या मतलब कहें कि ये करके दिखा दें, वो करके दें। इट्स प्रिटी ऑन स्पॉट एंड प्रिटी स्पॉन्टेनियस। और जो मेरे से सवाल किए जाते हैं दे आर प्रिटी रॉ, और वो बगैर फिल्टर के अपलोड भी कर देते हैं। तो कभी मैंने भी नहीं कहा कि ये चीज़ क्रॉप कर देना, या फिर उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कि हम कुछ क्रॉप करें। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन व्हाट आई एम सेइंग एंड आई नो व्हाट आई एम सेइंग। इंस्टीट्यूशन मेरा, मैंने फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग की 4 ईयर डिग्री की हुई है। उसके बाद मैंने 1 साल NCA में इंटीरियर पढ़ाया, भी हुआ है फर्नीचर। सॉरी, तो आप मुझे लिंक्डइन पे देखें, आप मुझे ढूंढें, मैं आपको मिलूंगी। बहुत एजुकेटेड हूँ मैं। अच्छा, फेक इंटरव्यू। एक्चुअल में अगर ये ऐसा काम करती होती तो ऐसे नेल्स ना रखे होते और हाथ इतने अच्छी हालत में ना होते। अच्छा, कर्स कर रहे होते हैं ये लोग बेचारे चैनल वालों को। लेकिन जब मैं काम एक्चुअली में यूनिवर्सिटी में कर रही होती थी, मेरे सारे हाथ भी कटे होते थे और सब कुछ हरकतें की हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बिगिनर लेवल था और हर चीज़ सीख रहे होते थे, तो कटते भी थे, खून खराबे भी सब होते थे, नाखून भी कट जाते थे। लेकिन आई हैव अ गुड नेचुरल नेल ग्रोथ, तो मेरे बगैर मेंटेनेंस के भी अच्छे ग्रो कर जाते हैं। तो आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि मेरे हाथ अच्छे हैं और नेल्स अच्छे हैं। थैंक यू। जैसी लड़की वुड उठा रही नज़ाकत से, लगता नहीं ये खुद पर नेचर बनाती हो।
मैं नज़ाकत अल्लाह की तरफ से है, आई एम वेरी फेमिनिन, लेकिन काम भी तो करने हैं तो उठा ही लेती हूँ, क्यों घर में औरतें पतीले भी उठा ही लेती हैं नज़ाकत से. तो इट इज़ फेमिनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ मी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव इट. और चीज़ें उठाना वगैरह का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत चीज़ें उठाई हैं, सारा फर्नीचर वगैरह खुद ही उठा उठा के यूनिवर्सिटी लेके जाते थे. अब तो चलो आई हैव यू नो फंक्शनल वर्कशॉप तो अब तो काम हो जाता है, लेकिन इतना जज ना किया करें. अच्छा, अपनी शादी का फर्नीचर खुद बना लेगी, एक तो खाऊ सारे खाऊ फर्नीचर बना लेगी, आके कीले ठोक देगी, क्या सेल्फ सफिशिएंट लोग कहाँ हैं. बड़ा सोचा करें, बड़ा एंटरप्रेन्योर सोचा करें, एंटरप्रेन्योर आएगी अब सारे बिजनेस करेंगे, सारे फॉर्म बनाते हैं, तो बड़ा सोचा करें, इस चीज़ों से बियॉन्ड सोचा करें. अच्छा, दिस इज़ व्हाट द नीड ऑफ आर इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिग्रीज एंड रनिंग आफ्टर जॉब इंस्पायरिंग. Although I truly appreciate कि आपने you just you know you picked nice words for me and you wrote really well, but I will like to say कि I have a 4-year degree, I am educated, उसके बाद भी मेरे पास बहुत ज़्यादा certifications हैं. तो education actually helps you groom in a way कि आपको लोगों से deal करना आता है, आपको labor से deal करना आता है, आपको professional से deal करना आता है, आपको एक international professor से deal करना आता है. सो ये आपकी grooming का हिस्सा है. मैंने इसे लकड़ी काटना नहीं सीखा हुआ, मैंने theory पढ़ी हुई है, मैंने सारी इसकी scientific terms, biological terms और जितना wood उगती कैसे है और मतलब हमने इसकी thesis किए हुए हैं और मतलब इट्स बियॉन्ड द यू नो स्किल ऑफ वुड वर्किंग. तो बाकी चीज़ें भी आपके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होते हैं, आपके सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, आपका एक आपको एक यू नो कम्युनिटी में एक आपको एजुकेटेड तरीके से चीज़ों को लेके चलना, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप होते हैं. सो एजुकेशन एंड अ डिग्री इज अ यू नो पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो आई एम वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स के हाँ ऑफ द यूनिवर्सिटी और ऑफ द आपकी जो डिग्री है वो भी स्किल्स आने चाहिए, लेकिन डिग्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यू नो गेटिंग एजुकेटेड एंड यू नो द होल आपकी personality ki development ke liye I think it's important. The lady is unimaginable choosing a profession but creativity and accuracy highly nurtured and smoothly the LinkedIn family should encourage her. Yes, the LinkedIn family should encourage me. I would really like it. Please give me shout outs. Thank you, really. I'm really humbled by all these nice comments as well as the haters. Really great, but if you can't fulfill the food or daily requirements of your house members or your husband and husband's kith and kins, then this is useless profession for you. Only for the sake of your interest, you can do it. Dolly hai na? Dolla usa chota sa. Main dil ke mein khela, unki shaadi karai. देखें, फूड और डेली रिक्वायरमेंट ना काम करके ही आती है. अब वो मैं लड़की करे या फिर लड़का करे, तो आपकी सारी जो एम्बिशंस और आपकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो पैसे से ही आ रही होती है और पैसा काम करके ही आता है. तो जो डेली के किथ एंड किन्स हैं ना हस्बैंड के, तो वो अपने खुद भी पूरे कर सकते. तो आई डू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन प्लीज़ गो बियॉन्ड दैट. इट्स द 21st सेंचुरी, गाइस नो हाउ टू मैनेज देमसेल्व्स and a house without a woman, and a woman definitely knows how to do everything on her own. Or by the way, I can cook, I do cook every day and I do the house chores. So disclaimer ke, do you know how to do what I do? Do you know how to earn and cook and you know take care of everything and do the handle the machinery and you know run a workshop and have entrepreneurship skills? So please have some you know self-reflection on what you bring to the table instead of asking me what I bring to the table. अच्छा, दिस इज़ अ वेरी आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि आई एम बीइंग कोटेड नाउ. सो आई दिस इज़ वन यू नो वन थिंग आई सेड इन वन ऑफ माई इंटरव्यू और मैंने काफ़ी फ्लो में बोला था. एंड आई फेल सो नाइस टू सी कि वट एवर आई सेड उन्होंने उसको कोट्स में लिखा है. एंड इट्स आई फाउंड इट ऑन लिंक्डइन, आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग एंड आई रियली रियली एम हम्बल्ड बाय हाउ पीपल आर टेकिंग माई वर्ड्स. Success to me is a level where I'm able to give back to the world. This is from an interview by a Canadian firm, Girl
टेबल समथिंग उन्होंने मेरा लिया था फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो दे आस्क्ड मी के आर यू देयर वेयर यू वांट टू बी इन लाइफ, इस तरह का कोई क्वेश्चन किया था. तो उस पर मैंने जवाब दिया था, इट इज़ व्हेन थ्रू माय एफर्ट्स आई एम इन अ पोजीशन टू लीव द वर्ल्ड इन द बेटर वे दैन आई फाउंड इट. आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल नॉर नाउ, आई हैव येट टू अचीव सम हायर गोल्स. ये 2 साल पहले हुआ था आई गेस मेरा इंटरव्यू. सो इट्स रियली नाइस टू सी हाउ पीपल आर वोटिंग एंड आई फील सो हम्बल्ड अगेन. आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. देर आर मैनी अदर कॉमेंट्स, बहुत सारे होते हैं. एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, जहाँ आप पोस्ट कर रहे होते हैं वहाँ लोग पढ़ भी रहे होते हैं इनके बारे में लिखा होता है. इट्स वेरी आई फाइंड इट वेरी एंटरटेनिंग एट टाइम्स. एंड कभी कभार आई एक्सटर्नल वैलिडेशन इज़ नॉट समथिंग विच मोटिवेट्स मी टू डू एनी थिंग और नॉट डू एनी थिंग. दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. तो मैंने रिसेंटली ये थोड़े पढ़ने शुरू किए हैं और थोड़ा सा इसको इन्जॉय करना शुरू किया है. देर इज़ अनदर इंटरव्यू बाई BBC अभी जो मेरा रिसेंटली हुआ है, उस पर भी बड़े मज़े के कॉमेंट्स आए हैं. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं उसको भी देखूँ और थोड़ा सा रिव्यू करूँ. एंड इफ़ यू वुड लाइक टू हैव अ रिव्यू ऑफ कॉमेंट्स ऑन माई वीडियोज़ बाय माई अब्बा जी, आई वुड डेफिनेटली डू दैट. सो यू कैन लीव अ कॉमेंट कि अब्बू के मेरा क्या फीडबैक होता है ओवर द रिव्यूज़. माई डैड इज़ अ वेरी फनी रियलिस्टिक गाय, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम रॉ ह्यूमर फ्रॉम इट. Savage humor, I just say. So you can just let me know in the comment section if you want to have a feedback on what my dad thinks of all my interviews. Thank you so much for your time, and I am again really humbled by all the love and all the hate. thank you so much. See you in another video. Bye bye.